तो दिल्ली से ही अगली खबर है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से बैठक में पहुंचे हैं भूपेन हुड्डा और दीपक बाबरिया। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा लगातार जारी है और शनिवार तक चूंकि हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जानी है, इसलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है स्क्रीनिंग कमेटी की, जो कि लगातार चल रही है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर आप देख रहे हैं कि पैनल डिस्कशन हो चुका है, कुछ सीटें अभी भी बची हुई हैं, चूंकि 90 सीटों पर यह पैनल डिस्कशन होना है, जिससे बाकी की बची हुई सीटों पर ये बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार चल रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए भूपेन हुड्डा और दीपक बाबरिया पहुंचे हुए हैं, जहां पर बाकी की बची हुई सीटों पर भी पैनल डिस्कशन हो रहा है। पैनल जो नामों के हैं वो भेजे जाने हैं शनिवार तक हाईकमान को, तो इसलिए हाईकमान को जो रिपोर्ट सौंपनी है वो डिस्कशन के बाद ही जाएगी और इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की जारी है। तो ये बड़ी जानकारी है दिल्ली से, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक चल रही है, तो बैठकों का दौर कांग्रेस में भी लगातार जारी है और स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है उन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी से ही जो नाम जाएंगे उस पर फाइनल मोहर हाईकमान के द्वारा लगाई जाएगी, इसलिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और दीपक बाबरिया इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, पूर्व सीएम भूपेन हुड्डा पहुंचे हुए हैं दोबारा से इस बैठक में, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से बैठक में पहुंचे हैं भूपेन हुड्डा और दीपक बाबरिया, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक लगातार चल रही है, जहां पर 90 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है और उम्मीदवारों के जो नाम है उस पर चर्चा लगातार स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है, कि स्क्रीनिंग कमेटी ही जो फाइनल सूची है वो सौंपेगी हाईकमान को और उसके बाद उस पर जो अंतिम मुहर है वो हाईकमान लगाएगा और उसके बाद जो टिकट हैं, जो नाम है, जो दावेदार हैं उनका ऐलान होगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी भी जारी है। दिल्ली से ही अगली खबर, मौजूदा सांसदों को टिकट कांग्रेस नहीं देगी, यह बड़ा बयान दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने यह बयान दिया है, मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उनको टिकट नहीं मिलेगा, सांसद चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी किसी सांसद का नाम नहीं रखेगी, किसी सांसद को अगर चुनाव लड़ना है तो फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकता है। कांग्रेस ने 18 से 19 सीटों के लिए पैनल बना दिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी की ओर से जानकारी दी गई है और बाकी के जो बचे हुए पैनल हैं उस पर डिस्कशन जारी है, शनिवार तक हाईकमान की रिपोर्ट हम सौंप देंगे। दीपक बाबरिया ने जानकारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है उसके बीच में ही दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चर्चा लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हो रही है। स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उनको टिकट कांग्रेस नहीं देगी और स्क्रीनिंग कमेटी में भी उनके नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा बात कर सकते हैं। और इसके अलावा 18 से 19 सीट हैं जिनके लिए पैनल ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन बाकी की बची हुई जो सीटें हैं उस पर अभी भी आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, इस पर डिस्कशन लगातार जारी है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, चर्चाओं का दौर है, लगातार चल रहा है बैठक और लगातार मीटिंग हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर नाम है, तीन तीन नामों के जो पैनल हैं वो बनाए जा रहे हैं और हर सीट पर जो दावेदार हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, उनके पैनल बना करके जो फाइनल सूची है वो शनिवार को हाईकमान को सौंपी जानी है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इन सब के बीच में प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी ये बयान दिया है। दो तीन दिन तो लगेगी तीसरे नी कमेटी को, ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले आज जो है, टुडे इज अ वेडनेसडे, आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है ना, तो बाय सैटरडे आई थिंक वी शुड बी रेडी विथ आवर फाइनल रिकमेंडेशन। सीसी लोकसभा या राज्यसभा के सांसद है, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। तो बयान है दीपक बाबरिया का, स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि सांसदों को फिलहाल अभी मौजूदा समय में टिकट नहीं दिया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, ये बात प्रभारी दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दी है। पैनल डिस्कशन में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो सीटें हैं उस पर चर्चा हो रही है और 18 से 19 ऐसे सीटें हैं जिस पर पैनल डिस्कशन हो चुका है और बाकी की बची हुई सीटों पर भी लगातार जारी है और ये अभी 2-3 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, ये भी उन्होंने कहा है, क्योंकि शनिवार तक ये जो सूची है वो हाईकमान को सौंपनी है, तो सभी 90 सीटों पर ये चर्चा होनी है। ये बड़ा बयान है दीपक बाबरिया की ओर से दिया गया है।